और अब चौथा केस कंसीडर करते हैं। चौथा केस क्या है? इफ टोटल पार्टिसिपेशन एट मेनी साइड, मतलब E2 साइड में टोटल पार्टिसिपेशन है। तो मैंने सिंपली क्या किया, जो B1 एंटिटी थी उसको डिलीट कर दिया। अब देखो इधर जो मिनिमम कार्डिनलिटी है, A1 एसोसिएट कर रहा है B2 B3 से, A2 एसोसिएट कर रहा है B4 से। तो इधर मिनिमम कार्डिनलिटी 1 है और मैक्सिमम भी 1 है। इधर मिनिमम कार्डिनलिटी 1 है, 0 है और मैक्सिमम 2 है। तो इधर 0 है तो मतलब पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया, इधर मिनिमम 1 है तो टोटल पार्टिसिपेशन हो गया। अब पहला सिंपल E1 के रिस्पेक्टिव ये है इसकी टेबल, ओके A1 A2 A3 के रिस्पेक्टिव ये टपल ये हो गई। जो E2 है उसमें B2 B3 B4 के रिस्पेक्टिव टपल्स हैं, तो ये 3 टपल हो गई। ओके रिलेशनशिप में भी कितने अकरेंसेज हैं? 3। तो A1 B2 A1 B3 A2 A1 B2 A1 B3 A2 B4 A1 B2 A1 B3 A2 B4 और A3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो सिर्फ इसमें 3 ही अकरेंसेज आए। अब यहां पर आप देख सकते हैं A1 A2 मतलब प्राइमरी की मेनी साइड, वैसे कॉन्सेप्ट ही है कि इसमें मेनी साइड की प्राइमरी की होती है। तो ये मेनी साइड B2 B3 B4 ऑल वैल्यूज आर डिस्टेंट एंड देयर इज नो नल वैल्यू, देयरफॉर यू कैन से बी इज द प्राइमरी की ऑफ दिस रिलेशन। ओके मेनी साइड वाली की, मेनी साइड वाली एंटिटी सेट की जो प्राइमरी की होती है वही इसकी प्राइमरी की होती है। तो इसका मतलब 3 टेबल में तो आपने कन्वर्ट कर दिया। नाउ कैन यू रिड्यूस द नंबर ऑफ टेबल्स, कैन बी कन्वर्टेड टू विद 2 टेबल्स ओनली। तो कॉन्सेप्ट है कि रिलेशनशिप को मर्ज किया जाएगा E2 के साथ। ओके या कह लो ऐसे भी कई बार बोला जाता है कि जो रिलेशनशिप सेट के एट्रीब्यूट्स हैं उनको मर्ज किया जाए मेनी साइड वाले के साथ। तो हमने क्या कहा कि BG तो मेनी साइड के एट्रीब्यूट्स थे और C रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट था और A एट्रीब्यूट इसलिए लाए क्योंकि टेबलर फॉर्म है, रिलेशनल मॉडल है, फॉरेन की का रिलेशनशिप दिखाएंगे। तो देखते हैं यहाँ से जो 3 टपल ये हैं, सब यही 3 टपल आएंगे सबसे पहले E2R में। और देखते हैं A1 पहले ये 3 टपल लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसके टपल कितने बचे हैं, जो बचेंगे उनको नीचे रखेंगे। A1 B2 C1 A1 B2 C1 ओके तो B2 के रिस्पेक्टिव G2 था, G2 रख दिया। A1 B3 C1 A1 B3 C1 B3 के रिस्पेक्टिव G1 था, रख दिया। A2 B4 C2 A2 B4 C2 और B4 के रिस्पेक्टिव G2 था, G2 रख दिया। अब देखो क्या इसका कोई टपल बचा है? B2 B3 B4 B2 B3 B4 सारे टपल इंक्लूडेड हैं, डन। तो यहां पर देखो A1 A1 A2, लेकिन ये देखो ऑल इसकी डोमेन में ऑल वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट एंड देयरफॉर दिस इज द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशनशिप, ए इज द फॉरेन की और इसको ये इस तरह से रेफर कर रहा है। तो 2 टेबल में भी कन्वर्जन पॉसिबल, इंफॉर्मेशन का कोई लॉस नहीं हुआ है। नाउ कैन वी कन्वर्ट इट टू 1 टेबल ओनली, ओके। तो यहां पर अगर आप देखो तो सबसे पहले रिलेशनशिप के जितने भी रोज बनती हैं, चूंकि सबको मर्ज कर दिया है, इसको 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 तीनों टेबल को एक में मर्ज कर दिया, तो मतलब 5 एट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 5 एट्रीब्यूट ये हो गए रिलेशनशिप के रिस्पेक्टिव, मैंने 3 टपल पहले बना दिए। अब यहां पर देखो B2 B3 B4 इसकी सारी टपल इंक्लूड हो गई, लेकिन इसकी ये टपल A3 ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसको यहां लाना पड़ेगा। तो A3 के रिस्पेक्टिव D2 और पूरी रो में जहां जहां इसकी वो नहीं है, वैल्यूज नहीं है इसकी, वहां नल फिल किया जाएगा। अब आप देख लो अकेला आप A को प्राइमरी की नहीं बना सकते, अकेला आप B को प्राइमरी की नहीं बना सकते, A और B टुगेदर प्राइमरी की नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि A में तो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, इस वजह से नहीं बना सकते। मतलब अकेला A को इसलिए नहीं बना सकते थे क्योंकि A1 नल नहीं था, लेकिन A1 डुप्लीकेट वैल्यूज हैं इसलिए प्राइमरी की नहीं है, B की डोमेन में नल है इसलिए प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, AB टुगेदर को प्राइमरी की इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि A3 नल, प्राइमरी की डोमेन में कभी भी नल नहीं आ सकता। चाहे AB इस तरह से तो नल इधर आ जाए और या नल इधर आ जाए या दोनों में नल आ जाए, तीनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ओके एंड देयरफॉर एक टेबल में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ओके सो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड इन दिस केस इज 2। ओके एंड दैट्स